डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, आपको पता है कि जो आपका नीट का क्रैश कोर्स है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम मूव कर रहे हैं इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक में जो आपका पहला चैप्टर था, दैट इज पीरियोडिसिटी, वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो एक तो केमिकल बॉन्डिंग में आपका क्वेश्चन बनता है एमओटी पे, राइट? एमओटी पे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं? या तो वो आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा, या फिर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि जो आपका कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस बनते हैं किस पे? आपके हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चंस किस पे बन रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन पे। कोई भी कंपाउंड दे करके या तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा या फिर शेप पूछेगा कि प्लेनर है या फिर ऑक्टाहेड्रल है, सीसो है, कौन सी शेप है इस मॉलिक्यूल की, वो आपको बतानी होगी। उसके अलावा जो आपकी वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चंस किस पे पूछ लेता है? बॉन्ड एंगल पे, कि किस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल कम है, बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका फजांस रूल, ठीक है? फजांस रूल में आपका कोवेलेंट करेक्टर या फिर आपका जो आयनिक करेक्टर है उसके बारे में बात की जाती है, और यहीं पर आपसे पोलैरिटी की, मतलब मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट वगैरह, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो मेन आपके क्वेश्चंस जिन टॉपिक्स पे बनते हैं वो आपके यही टॉपिक्स हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स और इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, देन हम मूव करेंगे आपके क्वेश्चंस पर। तो अगर मैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करूं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अराइज ये होता है, व्हाट इज बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है आपकी। तो देखिए, जो भी आपके दो एलिमेंट्स हैं या मैं कहूँ दो एटम्स हैं, वो कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। अब जो आपके एलिमेंट्स या एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं। मेनली जो हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं उसमें एक आता है आपका आयनिक बॉन्ड, देन नेक्स्ट आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और उससे भी नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है डेटिव बॉन्ड। ये तीन मेन टाइप के बॉन्ड्स आप पढ़ते हैं। अब आयनिक बॉन्ड किस में बनता है? जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका NaCl है, ये सभी को पता है कि आपका एक आयनिक कंपाउंड है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा आयंस में, एक्वस सॉल्यूशन में ये इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा आयंस की फॉर्म में। तो इस कंपाउंड में जो आपकी बॉन्डिंग है वो क्या है? आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में होता क्या है कि जो आपके दो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो आपका एक एलिमेंट होता है ये क्या करता है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स उनको डोनेट कर रहा है, और एक एलिमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हो क्लोरीन, क्लोरीन क्या कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है, और जो Na प्लस है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी शेल के साथ आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है? तो इस टाइप के जो बॉन्ड्स बनते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये आता है आपका 1s2, देन 2s2, 2p6 एंड देन 3s1। अब क्योंकि इसमें 3s1 लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो सोडियम क्या करता है, अपना इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और यहाँ पे Na पॉजिटिव जो आपकी आयन है उसकी फॉर्मेशन कर लेगा, और ये आपके नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो गया, जो कि आपकी एक स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वहीं पर अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो क्लोरीन है ये आता है आपका लास्ट में 3p5। अब इसको क्या ज़रूरत है, ये चाहेगा कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3p6। एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली क्लोरीन ने, जो कि इससे नेक्स्ट आर्गन के इक्वल है। तो दोनों ही मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है? देन कोवेलेंट बॉन्डिंग की जब बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ही जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे कि अब जैसे आपका CH4 है,
ठीक है, CH4 की अगर मैं बात करूं तो जो कार्बन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो कार्बन होता है आपका 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब ये जो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो चार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप से आप इसके चार इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। अब नेक्स्ट चार हाइड्रोजन इससे अटैच हो रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के पास तो 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगा और कार्बन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और एक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ही तो बनता है आपका बॉन्ड। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पे, देखिए एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन ये हो रही और एक की। तो इस टाइप से जो आपका CH4 दैट इज मीथेन अपने चार बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या बन रहा है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और डेटिव बॉन्ड की अगर बात की जाए तो डेटिव बॉन्ड में क्या होता है कि जो आपका एक एटम होता है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेकेंड एटम को, और सेकेंड एटम के पास क्या होता है, अपना एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपका NH3 है, अमोनिया है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम लॉन पेयर भी कहते हैं। ये क्या करेगा, अपना इस लॉन पेयर को जो आपका H पॉजिटिव मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बट इसके पास 1s एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा। तो इस बॉन्ड की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर किसको रहा है, हाइड्रोजन को। तो जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है हम उसकी तरफ क्या कर देते हैं, उसका एरो सिंबलाइज करते हैं। तो ये तो था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आपके कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में मेन जो थ्योरीज होती हैं आपकी, एक होती है आपकी वेस्पर थ्योरी, ठीक है, एंड वेस्पर थ्योरी के बाद जो आप नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं इसमें वो होती है आपकी MOT, ठीक है, एंड देन एक और टॉपिक बचता है आपका हाइब्रिडाइजेशन का। अब जो आपकी वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी ने क्या किया, इसने जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री, जो उनकी शेप है उसको प्रिडिक्ट किया था। क्या कर रहा था इसने, प्रिडिक्ट किया था ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आपकी वेस्पर थ्योरी है इसी के बेसिस पे जो आपके बॉन्ड एंगल्स हैं हम उनकी बात करते हैं। वेस्पर थ्योरी ने ही बताया था कि जो आपका लॉन पेयर रिपल्शन है ये सबसे ज़्यादा होता है, देन आपका लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, MOT की बात की जाए तो जो MOT है इसमें क्या हुआ, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप होते हैं और आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। देन उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताई, वहां से हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर पता चलता है, मैग्नेटिक मोमेंट पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम MOT से कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो हमें हाइब्रिडाइजेशन जो कि आपका एक फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2, ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। उसके बाद आप प्लस करेंगे जो भी मोनोवैलेंट एटम है, मतलब वो एटम्स जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो हो गए मोनोवैलेंट एटम, प्लस माइनस जो भी अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज है, मतलब मॉलिक्यूल अगर आपका न्यूट्रल नहीं है तो वो प्लस माइनस आपका चार्ज आएगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, कोई इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो जैसे भी आप लोग जिस मेथड में कंफर्टेबल हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप वही मेथड फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ आप वही अप्लाई करें। ठीक है, चलिए अब हम इसके बेसिक जो चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये है आपका कि चार आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे इनका कोवेलेंट करेक्टर कैसे वेरी करेगा ये बताना है। तो देखिए आयनिक करेक्टर या फिर कोवेलेंट करेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है, दैट इज फाजांस रूल। ठीक है, तो फाजांस रूल क्या कहता है, फाजांस रूल कहता है कि कोवेलेंट करेक्टर आपका किस केस में ज़्यादा होगा। कह रहा है कि जो आपका कोवेलेंट करेक्टर है ये इंक्रीज करेगा, किस केस में इंक्रीज करेगा या किस केस में आपका ज़्यादा होगा। सबसे पहला पॉइंट, जब आपकी जो कैटायन है कैटायन का साइज क्या होगा आपका स्मॉल, मतलब जितनी ज़्यादा छोटी कैटायन होगी उतना ही ज़्यादा
उसका कोवेलेंट करेक्टर होगा। देन सेकेंड जो केस बोलता है वो कहता है कि आपकी जो एनायन है इसका जस्ट रिवर्स, कि एनायन का साइज क्या होना चाहिए, आपका लार्ज होना चाहिए। और जो आपका थर्ड केस आता है वो आता है कि जब चार्ज की बात करो तो हायर चार्ज, मतलब अगर चार्ज ज़्यादा है आयन पे तब भी उस केस में भी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो देखिए कब कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है। जब जैसे अगर इसी क्वेश्चन में बात करूँ तो यहाँ पे जो आपकी एनायंस हैं सभी में आपकी एनायन क्या है, क्लोरीन है, मतलब एनायन का साइज तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे जो आपकी कटायंस हैं वो डिफरेंट है। और आप देख सकते हैं कि जो कटायंस का अगर मैं साइज़ की या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, चार्ज की बात करूँ कि इन पर चार्ज क्या है, तो यहाँ पे क्या है आपका 1 क्लोरीन है। तो जो आपका लिथियम है दैट वॉज इन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। बैरिलियम 2 क्लोरीन से अटैच्ड है तो बैरिलियम इसको बैलेंस करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बोरोन जो है इस पर आपका +3 चार्ज आएगा क्योंकि 3 क्लोरीन है, और कार्बन पे आपका +4 चार्ज आएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका सिंपली किस पे, चार्ज पे बेस्ड हो गया ना, कि जिसका चार्ज ज़्यादा उसी का कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा, और हमसे क्वेश्चन में कोवेलेंट करेक्टर ही पूछा है। तो दैट मीन्स जो आपका कार्बन है सबसे ज़्यादा, कार्बन का जो कंपाउंड है उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा, देन बोरोन, देन बैरेलियम एंड लिथियम। तो ऑप्शन में देखें किस में CCl4 को सबसे ज़्यादा दे रखा है, तो इन दो ऑप्शन में दे रखा है, देन BCl3 दोनों में ही। अब यहाँ पे साइज क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन देखेंगे दैट इज लिथियम क्लोराइड, बैरेलियम और बोरोन क्लोराइड, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या है इसका राइट आंसर। ओके, देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी सेम हमसे इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर की ही बात की गई है। यहाँ पर जो आपके कंपाउंड्स हैं वो क्या है, एक कंपाउंड है आपका KCl, एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक है आपका AlCl3 एंड देन SnCl4। देखिए सेम यहाँ पे भी आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो आपकी एनायंस हैं वो सारी सेम है और कटायंस पे साइज़ क्या है आपका डिफरेंट है। पोटाशियम की बात करूँ तो +1 चार्ज आएगा, कैल्शियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3 एंड टिन पे +4 चार्ज आ गया। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा उसी का कोवेलेंट करेक्टर भी ज़्यादा। इन केस मान लो यहाँ से अगर आपसे आयनिक करेक्टर पूछ लेता तो कोवेलेंट करेक्टर का आपका क्या है, ये सीक्वेंस है। आयनिक करेक्टर में आपका सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट हो जाता। किसकी बात करें, आयनिक की, तो आप बोलते कि KCl सबसे ज़्यादा आयनिक है, देन कैल्शियम क्लोराइड, देन AlCl3 एंड 10 क्लोराइड। ठीक है, बट हमसे कोवेलेंट करेक्टर की बात की है तो ये आपका आंसर है। ऑप्शंस में देखूं तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जब भी कोवेलेंट या आयनिक करेक्टर पे आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फाजांस रूल को सिंपली वहां पे अप्लाई करना है एंड देन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए आपका जो नीट 2016 है उसमें भी आपका हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 डिफरेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं आपको, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज 1/2 प्लस जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जो आपका मोनोवेलेंट एटम है वो प्लस माइनस में जो भी आपका चार्ज है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे NO2 प्लस की। तो NO2 प्लस की अगर बात की जाए तो ये क्या है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये होते हैं कितने आपके 5 प्लस। मोनोवेलेंट की बात करूं तो आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन है ये तो डायवेलेंट एटम है क्योंकि डबली बॉन्डेड अटैच होता है ना किसी भी कंपाउंड से, अगर आप इसको देखेंगे तो इस टाइप से, तो ये आपका 0 हो गया। चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के लिए आप उसको क्या करेंगे, -1। तो 5 - 1 दैट इज 4/2, इट कम्स 2। और आपको पता होगा कि जब आपका स्टेरिक फैक्टर जो ये आता है यहाँ से वैल्यूज को हम बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर SN। अब जो ये स्टेरिक फैक्टर आपका 2 आया है इसके लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दैट इज SP। तो ये चीज़ आपको पता होगी, अगर वैल्यू 2 आ रही है तो आपका SP होता है, अगर 3 आ रही है वैल्यू तो यहाँ से SP2 हो जाएगा, 4 आ रही है तो SP3 हो जाएगा, देन अगर 5 आती है तो आप बोलेंगे कि वो हो जाएगा आपका SP3D, और अगर 6 आती है तो आ जाएगा SP3D2, राइट। इस टाइप से आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो 2 है दैट मीन्स SP है। अब ऑप्शंस की तरफ अगर मूव करें तो B
और डी ऑप्शन हमारा पहले ही कट हो गया क्योंकि एनओ टू प्लस की हाइब्रिडाइजेशन एसपी आ रही है, इन्होंने एसपी टू दिए हुए। इन दोनों ऑप्शंस में अगर आप सेकंड कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों में अलग अलग दे रखी है तो हमें आंसर तो वैसे ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट मूव कर देते हैं जो कि है आपका एनओ थ्री नेगेटिव, दैट इज वन, सॉरी वन बाय टू, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो हमने पहले में ही देख लिया कि फाइव है। ऑक्सीजन सेम डायवेलेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा। चार्ज यहां पर माइनस वन है, जो भी चार्ज होता है हमें उसका रिवर्स करना होता है, माइनस है तो यहां पे आप प्लस वन करोगे और प्लस है तो माइनस वन करोगे, तो फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स बाय टू, तो ये कितना आ गया थ्री, और थ्री स्टेरिक फैक्टर के लिए वैल्यू क्या थी आपकी एसपी टू, तो ये आ जाएगा आपका एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड। दैट मींस जो आपका सी ऑप्शन है इस केस में वो क्या आएगा आपका करेक्ट आएगा। अब एनएच फोर प्लस को भी चेक कर ही लेते हैं एक बार के लिए आपके लिए, तो वन बाय टू नाइट्रोजन का आपका जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है क्या है फाइव, देन फोर आपका हाइड्रोजन जो है ये आपका मोनोवेलेंट है, हमेशा सिंगल बॉन्ड से बाइंड करता है, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस फोर क्योंकि चार हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज के लिए आप क्या कर देंगे माइनस वन, दैट इज एट बाय टू फोर, और फोर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी एसपी थ्री, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन तो हमें पता चल गया कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि मैंने नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव कैसे लिए तो वो भी देख लो। जब आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 7, तो ये आता है आपका 1s2, 2s2 एंड देन 2p3। अब जो आपकी लास्ट वाली शेल है वो कौन सी आपकी सेकंड शेल, इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 3, यहाँ पे 3 एंड देन प्लस 2, तो कितने हो गए 3 प्लस 2 5, इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। ओके इवन अब आप नाइट्रोजन के का देख लिया ना, हमने तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली जो है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके 5 है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि सेम आपका हाइब्रिडाइजेशन का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपसे उन्होंने क्या पूछ लिया शेप पूछ लिया, थोड़ा सा ही क्वेश्चन में डिफरेंस है बट चलना वही आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ही है। तो देख लीजिए सबसे पहला जो आपका कंपाउंड दे रखा है वो है आपका PCl4+। अब अभी मैंने बताया कि पहले आता है आपका नाइट्रोजन, देन आता है फास्फोरस एंड देन आर्सेनिक। अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या रहेगा सेम, मतलब फास्फोरस जो है जो कि आपका सेंट्रल एटम है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो गए आपके 5। अब सेंट्रल एटम भी कैसे पता करा जाता है, जो एटम एक ही बार प्रेजेंट है वो सेंट्रल एटम। अब जो क्लोरीन है वो तो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता ना क्योंकि चार चार क्लोरीन सेंट्रल एटम कैसे होंगे, खुद ही सोच के देखिए आप, ठीक है। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया हमें 5 है। अब मूव करेंगे क्लोरीन पे, तो आपको पता है कि क्लोरीन भी हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही बाइंड करती है, तो क्लोरीन कितनी है 4, तो आप करेंगे यहाँ पे प्लस 4। अब क्योंकि प्लस चार्ज है तो उसके लिए तो आपको माइनस वन करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन। अब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है 4 आ गया, दैट मीन्स आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इसमें आपके जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। तो अगर फॉस्फोरस को आप बना करके देखेंगे तो ये बनेगा आपका PHH, इसी टाइप की होती है आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कंप्लीट पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर एक भी आपका लॉन पेयर नहीं था, सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, तो ये हो गई टेट्राहेड्रल। ऑप्शंस में से देखिए अब जो फर्स्ट ऑप्शन है और डी ऑप्शन है ये तो आपके कैंसिल हो गए, तो इस तरीके से आप जो अब एग्जाम है उसमें अपना टाइम बचा सकते हैं। अब बी और सी ऑप्शंस आपके पास बचे, बी और सी में भी जब आप सिर्फ सेकंड कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि दोनों में ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप एग्जाम में अपना जो टाइम है वो कंज्यूम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और किसी ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम लगाना पड़ सकता है जहां पर शायद वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, दैट इज PCl4 नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 फास्फोरस है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 क्लोरीन है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आप करोगे प्लस 1, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, बट sp3d है और sp3d होती क्या है आपकी ट्रायागोनल बायपिरामिडल, ठीक है, तो मतलब ये आपका फॉस्फोरस
इस टाइप से आपकी आएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बट यहाँ पर आपके पास पांच क्लोरीन नहीं है, सिर्फ चार ही क्लोरीन है। मतलब चार तो बनेंगे आपके बॉन्ड पे इस टाइप से, ओके और एक क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, लोन पेयर आएगा। और लोन पेयर जो है वो आपका इस बॉन्ड पे क्या जाएगा, आपका एक लोन पेयर। ये जब स्ट्रक्चर बनती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीसो। ये आपका बिल्कुल सीसो की तरह है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी सीसो। तो क्लियर पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है, ओके। बट फिर भी AsCl5 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। क्यों आएगा, देखिए अगर AsCl5 की कैलकुलेट करूँ 1/2 आर्सेनिक इसी ग्रुप में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 5 है, पांच क्लोरीन है, न्यूट्रल एटम है, तो चार्ज 0 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, 5, दैट इज sp3d। sp3d की जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि पांच क्लोरीन है, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा आपका आर्सेनिक, और ये जो आपके पांच क्लोरीन है वो आप इस टाइप से अटैच कर देंगे। तो ये क्या हो गई, TBP, दैट इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, ये ही आपका एक क्वेश्चन है जो कि वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस पे है आपका, कह रहे कि चार मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आपको उनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट कौन सी दे रखी है वो बतानी है। और स्टेटमेंट में हमने देखा कि वो बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं, हम तीनों ही मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कॉमन मॉलिक्यूल्स है, सबको पता है कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ठीक है। बट फिर भी एक बार के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है आपका मीथेन। अगर मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूँ तो आएगा 1/2। सेंट्रल मॉलिक्यूल है कार्बन, और कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पास 4, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो लास्ट की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, प्लस हाइड्रोजन भी कितना है, 4। चार्ज कुछ है नहीं तो 0 आ जाएगा आपका प्लस माइनस का। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करूंगी मैं पहले अमोनिया पे। पहले सबकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 1/2। नाइट्रोजन का भी हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, प्लस 3 नाइट्रोजन, कैलकुलेट किया 4, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। देन है आपका H2O, 1/2। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है आपका 6, 2 हाइड्रोजन, चार्ज कुछ भी नहीं है, ये भी 4 आ गया sp3। देखिए चारों ही मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, सेम है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये हमें पता चल गया। तो अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। मीथेन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रक्चर आएगी आपकी कुछ इस टाइप की, टेट्राहेड्रल। अमोनिया की अगर ड्रॉ करें तो अमोनिया में 3 ही बॉन्ड है, मतलब एक क्या आएगा यहाँ पे आपका लोन पेयर। तो ये आ गया अमोनिया में एक लोन पेयर, और ये आ गया आपके 3 बॉन्ड। देन आता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो बाकी 2 क्या आएंगे यहाँ पे, लोन पेयर, ठीक है। अब जब भी कभी आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखना होता है तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। एक जनरल सी चीज हमें पता है कि जो आपके sp हाइब्रिडाइजेशन होती है उनके एंगल होते हैं 180 डिग्री। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका एंगल कितना हो जाता है, 120, और अगर sp3 है तो ये 109 डिग्री फॉर्म ये ऑर्डर आता है। जब अगर आपको चार पांच मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अब अगर उन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसको सेपरेट कर दीजिए, देन sp2 को। अब जब मॉलिक्यूल्स आपके सेम हाइब्रिडाइजेशन के, अगर आपके पास 2 या 3 मॉलिक्यूल्स है तो उनको आप सेपरेट करेंगे लोन पेयर के बेसिस पे, ठीक है। ये क्या है आपका, मीथेन। मीथेन नॉर्मल एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 109 एंड 4 मिनट, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करूं तो आपको पता है कि वेस्पर थ्योरी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, एंड देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आता है। यहाँ पे सारे बॉन्ड्स थे, कोई खास रिपल्शन नहीं हुआ, एक दूसरे को कैंसिल किया, बट यहाँ पे आपका लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्शन होगा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि ये इन दोनों बॉन्ड्स को क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये दोनों बॉन्ड आपके थोड़े इस तरफ शिफ्ट होंगे। जब अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब मैं बोलूँ कि बॉन्ड एंगल क्या है आपका, लेस देन 1094।
वैल्यूज़ हमें नहीं पता, जनरली बच्चों को इनकी वैल्यूज़ भी पता होती है, हम वैल्यूज़ पे बात ही नहीं कर रहे, हमने देखा कि एंगल इससे कम है। वोटर के केस में आए तो यहाँ पे तो दो दो लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन भी होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो आपका रिपल्शन है वो क्या है, ज़्यादा, तो मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज होगा, एंगल मोर डिक्रीज, तो आप बोल देंगे एंगल ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल का जो आपका ऑर्डर आएगा दैट इज CH4 का सबसे ज़्यादा, देन आपका अमोनिया का और फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल का ऑर्डर हमें पता चल गया। अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपका HOH बॉन्ड है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वाटर में इज लार्जर। वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल तो किसी से भी बड़ा नहीं है, वो तो सबसे ही छोटा है। तो यहीं पर हमें आंसर मिल गया कि जो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है वो आपकी गलत है। बाकी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है ये छोटा है। हाँ, छोटा तो है, किससे, अमोनिया से, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल बड़ा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो CH4 है इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है अमोनिया से, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो बॉन्ड एंगल है CH4 का ये अमोनिया से भी बड़ा है और वाटर दोनों ही से बड़ा है और 90 डिग्री एंगल ग्रेटर देन है। तो बाकी तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट गलत थी, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी बॉन्ड एंगल के ही क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तीन स्पीशीज़ हैं जो कि आपका 2010 AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। तीन मॉलिक्यूल्स हैं, पहला मॉलिक्यूल है आपका Cl2O, देन है ClO2 एंड देन है ClO2 नेगेटिव। तो पहले हम सेम इन मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं कि क्या किसी की हाइब्रिडाइजेशन अलग है या तीनों सेम हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल हैं। तो Cl2O की बात करें तो 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे आपका, ऑक्सीजन है क्योंकि एक है, और ऑक्सीजन के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने होते हैं आपके, 6। क्लोरीन कितने हैं, 2, तो ये आ जाएगा आपका 2। 6+2 8/2 4 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, ClO2 की बात करें तो 1/2 जो क्लोरीन है जो कि फ्लोरीन हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। ऑक्सीजन क्या होता है आपका यहाँ पे, अब देखिए ऑक्सीजन क्योंकि आपका डायवेलेंट है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, बाकी हो गया 0। जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल आपका पॉइंट में हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, जो कि आपको पता है पॉसिबल नहीं है। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन थी, मतलब कि ये मॉलिक्यूल हो सकता है आपका क्या हो, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे ClO2 नेगेटिव पे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। क्लोरीन सेंट्रल एटम है दैट इज सी, ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे, डायवेलेंट है, नेगेटिव चार्ज का आप कर देंगे +1, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई यहाँ पे आपकी sp3 आ गई। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। अब बात करूँ OCl2 की, तो मतलब ऑक्सीजन है आपका सेंट्रल में, दो क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आपके दोनों क्लोरीन क्या होंगे, इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज था, दो ही बॉन्ड बने, तो मतलब बाकी के जो दो बॉन्ड क्या प्रेजेंट है, दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है इसके पास। नेक्स्ट बात करते हैं हम ClO2, तो मतलब ये आपका क्लोरीन है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा आपके, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, एंड इस पे आपका क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, तो यहाँ पे भी दो लोन पेयर है, पूरे मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज को आप कंसिडर करेंगे। उसके बाद बचा आपका ClO2, तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका मॉलिक्यूल है क्लोरीन जो कि सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये बना लिया इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब जब ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे ये क्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, जब ये इस टाइप से चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, दो इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए, क्लोरीन ने। क्लोरीन पे टोटल आपके कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के साथ शेयर हुए, तो क्लोरीन पे बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो मतलब यहाँ पे क्लोरीन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक, मतलब एक पूरा लोन पेयर है और एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। इस टाइप से आपके जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म हो गए। तो यहाँ से आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो आपका ClO है, ये जो कंपाउंड है आपका ClO2, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे तो कम है, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस केस में भी दो लोन पेयर्स हैं, तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे एक तो लोन पेयर और एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पेशी है,
तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका लेस होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो आपका ClO2 मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों के कंपैरिजन में तो क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों कंपाउंड्स की, कि इन दोनों कंपाउंड्स में किसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपने बोला कि जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करेगा। सेम इस वाले केस में भी होगा, बट यहाँ पे जो आपका साइड एटम है दैट इज क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है, आपका एक लार्ज साइज का कंपाउंड है। अब देखिए इस टाइप से देखिए आप इसको, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक क्लोरीन प्रेजेंट है। अब जब ये दोनों लोन पेयर्स रिपेल करेंगे इन क्लोरीन्स को, तो क्या होगा, ये क्लोरीन इधर मूव करेगा, ये क्लोरीन इधर मूव करेगा, बट इन दोनों का भी तो साइज बड़ा है। अगर ये बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका रिपल्शन होगा, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो इस वजह से इस कंपाउंड का जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है बॉन्ड ऑर्डर के देखते वक्त, अगर यहाँ पे जो एटम है कोई सेकेंड पीरियड का एटम है, और यहाँ पे अगर थर्ड पीरियड का कोई एटम है, क्योंकि थर्ड पीरियड के एटम्स का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, तो उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच में भी वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो रही है। ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपका CH3 मॉलिक्यूल होता, जो कि आपका एक बल्की मॉलिक्यूल है, वो भी रिपल्शन क्रिएट करेगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा, जो लोन पेयर रिपल्शन है उसको कंपनसेट करेंगे आपके ये जो क्लोरीन के जो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 7 वो। ओके, तो इसकी वजह से जो आपका OCl2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, एंड देन आएगा आपका ClO2 नेगेटिव। तो ये होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर का जो आपका बॉन्ड एंगल्स हैं उनका ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूँ ये किस ऑप्शन से मैच करे, ClO2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं यहाँ पे नेगेटिव को पहले दे दिया, तो जो आपका डी ऑप्शन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ओके, देन उसके बाद जो आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला है हमें कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है वो आपको बतानी है, और हमें चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, मतलब आपको चारों स्टेटमेंट्स में पहले ये देखना है कि किसका बॉन्ड एंगल करेक्ट है। तो बॉन्ड एंगल की बात है, आपको NCl3, NF3 और NH3, ये तीन डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब तीनों ही कंपाउंड्स के जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है। कैसे, मैं एक की निकाल के दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने NCl3 को कंसिडर किया, 1/2 नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। क्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट एटम। इसी तरह अगर आप NF3 को भी कंसिडर करें या फिर NH3 को भी कंसिडर करें, फ्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन भी क्या है, मोनोवेलेंट, तो तीनों के ही केस में यहाँ पे +3 आएगा, और क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई और तीनों में तीन बॉन्ड बनेंगे, मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इस टाइप से ये हो गया आपका NCl विद 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा आपका NF विद 1 लोन पेयर, और ये हो जाएगा आपका NH विद 1 लोन पेयर। देखिए अब जो आपका लोन पेयर वाला रिपल्शन या फिर हाइब्रिडाइजेशन वाला जो फैक्टर है वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब आप बॉन्ड एंगल किस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल जब आपको देखना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए अब मैंने अभी एक आपको चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पे आपका एलिमेंट का साइज़ क्या हो, बड़ा हो, अब क्लोरीन का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो इस वजह से क्लोरीन का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। बाकी के जो दोनों एटम्स हैं आपके फ्लोरीन और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, ये सेकेंड पीरियड, ये तो फर्स्ट पीरियड के और ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो तो क्या है, आपका NCl3। फ्लोरीन और हाइड्रोजन में जब बात करें तो आपको पता है कि जो आपका फ्लोरीन है ये क्या है, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, जो आपके यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हैं लाइक नाइट्रोजन और फ्लोरीन, जब आपका बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके बीच में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कुछ इस टाइप से होंगे। जबकि इस केस में अगर मैं बात करूँ NH3 के केस में, नाइट्रोजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रखेगा,
इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास इतने सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो रिपल्शन करेंगे तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस वजह से जो आपका NH3 है इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा NF3 के कंपैरिजन में। या फिर आप एक इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम के अलावा दूसरा जो एटम होता है, और वो एटम अगर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो आप एक चीज़ ये बोल दीजिए कि जो बॉन्ड एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, नॉट सेंट्रल एटम कहेंगे, साइड एटम, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। अब जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो स्टेटमेंट्स हम आपकी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है NCl3 का ये ज़्यादा है NF3 से, तो मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं NF3 का गलत है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। नेक्स्ट में कह रहे हैं जो NH3 है उसका बॉन्ड एंगल NF3 से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। सेकंड में रिवर्स बोल रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट। तो मतलब जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। देन आते हैं अब हम MOT पे, कि आपकी जो MOT है उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके सारे के सारे MOT पे बेस्ड होते हैं, उसी के बेसिस पे आप उनको एक्सप्लेन अप करेंगे। तो यहाँ पे आपसे O2 मॉलिक्यूल्स, उसके कैटायंस और एनायंस बना रखे हैं, और आपको उनका बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है। तो आपको पता है कि जो भी आपका ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए एनर्जी का ऑर्डर डिफरेंट होता है, और उससे पहले के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एनर्जी का ऑर्डर डिफरेंट होता है। अगर अभी हम ऑक्सीजन का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो इन तीनों का अगर मैं बोलूँ जो आपका एनर्जी का ऑर्डर होता है, दैट इज आपका होगा σ1s, देन आता है आपका σ*1s, उसके बाद क्या आता है आपका σ2s, σ*2s। अब जो चेंज आता है वो आपका यहाँ पर आता है, O2 ऑक्सीजन फ्लोरीन या नियोन की जब मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, तो पहले आता है आपका σ2pz, देन आता है आपका π2px और π2py, ठीक है। जबकि अगर इससे पहले के एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें ये केस आपका क्या होता है, रिवर्स होता है, पहले पाई आता है देन सिग्मा, उसके बाद आते हैं आपके π*2px एंड देन π*2py, और लास्ट में आएगा σ*2pz। इस टाइप से आपके एलिमेंट्स जो एनर्जी ऑर्डर है MOT मॉलिकुलर और वाइटल्स का, वो ये होता है। अब आपके बाकी के एलिमेंट्स की अगर मैं जो बात करूँ, तो एक है आपका O2 नेगेटिव, एक है आपका O2 और एक है O2 प्लस। O2 की अगर मैं बात करूँ, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, ठीक है। तो मतलब एक ऑक्सीजन में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब दो ऑक्सीजन होंगे तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इस मॉलिक्यूल O2 है तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये है आपका O2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इसके केस में आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप O2 से माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे आपके 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हर मॉलिक्यूल में बात करें, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले इनको फिल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1s2 σ*1s, σ*2s एंड देन σ*। देखिए यहाँ पे टोटल कितने हो गए, इस वन में 4 और बाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो चुके हैं। अभी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ही और फिल करने हैं, तो σ2pz में भी 2 आ गए, देन π2px और π2py में फिल करेंगे, तो अभी भी आपके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो मैंने 2 फिल किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे भी फिल कर दिए। तो यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, तो आपने 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ली हैं, फिल कर चुके हो आप, ठीक है, क्या कर चुके हो आप, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हो। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ O2 प्लस की ही, जिसमें मुझे 15 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब है आपका जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा π*2px या π*2py में से, आप किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ये आ जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब जब आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब आप किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले O2 प्लस के, क्योंकि हमने अभी तक किसी के इलेक्ट्रॉन्स फिल करें,
इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो देखिए इस केस में जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ तक के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको भूल जाइए, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बॉन्डिंग कितने हैं, मतलब ये वाले दो दो चार और पाँच छः, छः आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस एक ही यहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में वन, तो मतलब ये आ रहा है आपका 5/2, दैट इज 2.5। ये किसका है, ओ टू प्लस का है। देन जब आप O2 में जाएंगे तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप, तो ये इलेक्ट्रॉन फिल हुआ मतलब एंटी बॉन्डिंग में आपका एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है इस केस में, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 6 माइनस 2 हो जाएगा इस बार। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, दैट इज O2 का आया है। O2 नेगेटिव, 17 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और एड ऑन किया, वो इलेक्ट्रॉन आपका एड ऑन हो गया यहाँ पे, तो मतलब आपका जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक और इंक्रीज हो गया, दैट इज 6-3, तो ये आएगा आपका 1.5 जो कि है O2 नेगेटिव का। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो आपका ऑर्डर है वो आपको पता चल गया, सबसे ज़्यादा आएगा आपका O2 प्लस का, देन है आपका O2 एंड देन है आपका O2 नेगेटिव। अब ये ऑर्डर आपका कहाँ पर है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इस केस में जो आपका बी ऑप्शन है, अगर आप बी ऑप्शन का ऑर्डर देखेंगे तो वो आपका बिल्कुल आपके आंसर से मैच कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। देन आपके दो क्वेश्चन हो रहे हैं MOT पे ही, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका नीट 2013 में आया हुआ है, जो कि क्वेश्चन था आपका पैरा मैग्नेटिक पे। चार डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, तो पहले हम इन चारों ही कंपाउंड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है CO, CO में कार्बन जो है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जो कार्बन है इसमें होता है आपका 6 प्लस ऑक्सीजन में कितना हो गया आपका 8, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। देन सी एन नेगेटिव की बात करें तो कार्बन का हो जाएगा आपका 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नेगेटिव चार्ज है तो आप करेंगे +1, तो ये भी कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट नाइट्रोजन कितना होता है आपका 7, ऑक्सीजन होता है 8, प्लस का चार्ज है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे -1, तो ये भी कितने हो गए आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन नेक्स्ट आता है आपका O2 नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है आपका O2 नेगेटिव। अब जो ऑक्सीजन है ये कितना एटॉमिक नंबर होता है 8, और दो ऑक्सीजन है तो मतलब 8 + 8 = 16, 9 माइनस जो चार्ज है उसका आपने ऐड किया तो ये कितने आ गए आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्वेश्चन तो आपका यहीं पे ही सॉल्व हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि आपके जो तीन ऑप्शंस हैं CO, CN नेगेटिव और NO पॉजिटिव, तीनों में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं आपके सेम है। तीनों में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिलिंग भी आपकी काइंड ऑफ सेम ही टाइप की होगी, तो यहाँ पे तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, और वैसे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इवन है। बट इस केस में देखिए 17 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि ये तो एक ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो 101% ये कंपाउंड आपका डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, इसमें क्या होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। यहाँ पे आपको जो आपके एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने की जरूरत ही नहीं थी, ये क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने थे और वहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड, मतलब ये कौन सा इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें जो आपका डबल बॉन्ड है वो क्या कर रहा है एक पाई बॉन्ड को कंसिस्ट कर रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो आपने जब अगर MOT डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखा भी होगा तो आपको ये चीज़ कन्फर्मली पता होगी। मान लीजिए जो आपके नाइट्रोजन से नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, उनके एनर्जी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो उनका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आता है आपका σ1s, देन आता है σ*1s, σ2s, σ*2s, देन क्या आता है आपका π2px इक्वल्स टू π2py, σ2pz, इसके बाद आएगा आपका π*2px, π*2py, σ*2pz, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। O2 के केस की अगर बात करूँ तो ये आपका जस्ट रिवर्स होगा, आई नो। अब इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आपके कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब कि दो बॉन्ड बन रहे हैं इस टाइप से, जब दो बॉन्ड बन रहे हैं वो दोनों ही बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड्स हों, एक भी बॉन्ड आपका सिग्मा ना हो, ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो आपको बताना है, ठीक है।
O2 की बात करूं तो आपको पता है कि O2 में कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की अगर बात की जाए तो ये आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 4, राइट, और दो बेरिलियम है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन अगर मैं यहाँ पे C2 जो है आपका, इसकी बात करूँ तो आपको पता है कि जो कार्बन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका 6 है, तो ये हो गए आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब और जो सल्फर है इसकी आप बात ही कर दीजिए, क्योंकि सल्फर तो आपका बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है, 16 एटॉमिक नंबर है, जहाँ तक हम MOT में डिस्कस भी नहीं करते, तो इस ऑप्शन को अभी के लिए भूल जाते हैं। तो बाकियों की बात करूँ, फ्लोरीन जिसका 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी बेरिलियम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैंने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे तो ये आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे फिल किए, जहाँ पे आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है, इक्वल। तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट भी करोगे BE2 का, दैट इज 1/2, 4 - 4, 0, मतलब ये मॉलिक्यूल तो आपका फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। C2 पे अगर बात करें, जहाँ पे आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए। अब आप ये देखिए कि जो आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इस बॉन्डिंग ने इस एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल किया, इस बॉन्डिंग ने इसको कैंसिल किया, बट ये दोनों क्या हैं आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका क्या बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2, मतलब कि सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब जो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आया है, आप इसको देखिए किन ऑर्बिटल्स की वजह से बन रहा है, पाई 2px और पाई 2py की वजह से, और ये पाई 2px पाई 2py क्या बनाते हैं आपके, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें जो ये आपके दोनों ही बॉन्ड बने हैं, दोनों के दोनों क्या हैं आपके पाई बॉन्ड है, इसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। जबकि अगर O2 की बात करूं, जहां पे आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स फेल होते हैं, तो जब आप इसमें आप आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स फेल करेंगे, जहां पे आपका जो एनर्जी ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है वो भी आपका चेंज होगा, इसमें पाई 2pz आपका पहले आएगा और सिग्मा 2px सिग्मा 2py आपका बाद में आएगा। लाइक अगर इसी के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ O2 की, ठीक है, तो उसमें पहले आएगा आपका सिग्मा 2pz, देन आएगा आपका पाई 2px पाई 2py, ठीक है, देन आएगा आपका यहाँ पे पाई स्टार 2px पाई 2py का स्टार एंड देन सिग्मा 2pz स्टार, दिस वन इज फॉर O2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ही और फिल कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड देन 16। तो इन ऑर्बिटल्स की वजह से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, तो जो बॉन्डिंग है वो कितने हैं, 2, 4 और 6, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो माइनस में करोगे 2, तो 4/2 क्या आ गया, 2, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अब यहाँ पे जो दो बॉन्ड ऑर्डर आया है आपका, ये किसके हिसाब से आया है, देखिए चेक कीजिए आप, ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या थे आपके पाई ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने मान लीजिए पाई के ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, कैंसिल करा, तो किन की वजह से बॉन्ड बना, एक इस सिग्मा की वजह से और एक इस पाई ऑर्बिटल की वजह से। तो ऑक्सीजन में जो ये आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है आपका पाई बॉन्ड, जबकि C2 में दोनों ही आपके क्या थे, पाई बॉन्ड थे। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दोनों जो डबल बॉन्ड बनता है वो दोनों ही पाई बॉन्ड बनते हैं, वो क्या होता है आपका C2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये थे आपका केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स। आई होप मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे हैं, चाहे फिर वो आपका फजांस रूल हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, बॉन्ड एंगल हो, या फिर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आए, मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन आए, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए हैं, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।